हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें तो जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे दी है, आप चाहो तो उनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार खबर के बारे में। मतलब देखिए, फिलहाल तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन का ही टाइम हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इलेक्शन के चलते आप सभी लोगों को बताइए अलग अलग डेटा सामने निकलते आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। उसी के साथ साथ अलग अलग इंटरव्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते बाजार के ऊपर भी अब ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्रूफ तो नहीं है, बट आप कह सकते हैं इस चीज़ का इंपैक्ट हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड थोड़ा सा डेमो भी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ही टाइम पहले यहाँ पे देखा था। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी 50 की, ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि थोड़ा अगर मैं पीछे वाला डेटा दिखा दूँ कि हमारा बाज़ार 22,000 के नीचे चला गया था एक टाइम के लिए, जो पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा कर रहा था। बट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वो 22,000 के नीचे चला गया। एंड उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिला था, जैसे एक इंटरव्यू देखने को मिला था अमित शाह जी का। एंड अमित शाह जी के इंटरव्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक स्टेटमेंट सामने यहाँ पे रख दिया था। कौन सा, ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही है, इसके ऊपर भी अलग से वीडियो मैंने बनाया था, गूगल करके भी आप देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि मार्केट शूटअप हो जाएगा, कब, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन की, मतलब जो रिजल्ट सामने आएंगे, मतलब वो बोल रहे हैं 4 जून को बाजार एकदम रॉकेट यहाँ पे बन जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि पहले शेयर खरीद के रख लो करके, ये उन्होंने अपना ओपिनियन यहाँ पे दिया था। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें, मतलब जब उन्होंने ये बात बोली, ठीक है, तो हम लोगों को देखने को मिला था कि बाजार में, जैसे मैंने कहा कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है, बट यस, जब ये चीज़ें सामने यहाँ पे आई उसके बाद बाजार में एक अच्छी रैली भी देखने को मिली थी। उन्होंने मतलब वापस काफ़ी समय के बाद वो 400 पार की जो बातें करते थे वो वापस हम लोग को इंटरव्यू में देखने को यहाँ पे मिली थी। बट उसके पहले की बात करें तो ऑब्वियसली उनको ये जो सवाल पूछा गया था उसके पहले तो हम लोगों ने देखा था बाजार में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी फ्रॉम रिकॉर्ड हाई। तो तभी उन्होंने ये भी कहा था कि जो बाज़ार में जो मूवमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मतलब तेज़ी मंदी देखने को मिले, उसको इलेक्शन के चलते जोड़ना ठीक नहीं रहेगा करके, ये उनका मानना था, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले वो गिर रहा था करके, क्योंकि इंटरव्यू ने यही सवाल पूछा था इंटरव्यूअर ने। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं नहीं भाई, हम तो आएंगे और उसके बाद देखो मार्केट कैसा रॉकेट बनता है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अभी हम लोग बात करें दोस्तों तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के भी काफ़ी सारे हम लोगों को इंटरव्यूज़ देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं, ठीक है। हम लोगों को बाकी पॉलिटिक्स के पार्ट्स में हम लोगों को नहीं जाना, मतलब इस चैनल का अगर मैं बात करूँ तो आपको बताइए हम शेयर मार्केट की चीज़ों को ही कवर करते हैं। सो शेयर मार्केट से रिलेटेड एक और बयान उनका हम लोग को देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये लगभग उनका तीसरा चौथा बयान यहाँ पे रहेगा, तीसरा चौथा बयान, मतलब इसके पहले हम लोगों ने देखा था संसद में उन्होंने बात बोली थी, संसद के बाद हम कह सकते हैं कि उनके जो इलेक्शन के जो स्पीचेस थे वहाँ पे भी हम लोगों ने एक दो बार इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे। एंड आज के अगर हम लोग इंटरव्यू की भी बात करें तो उन्होंने कुछ ऐसे शेयर मार्केट से रिलेटेड पॉइंट सामने रखे हुए, और उनके इंटरव्यू की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे, ठीक है, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, बाकी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे। सो पहला वाला जो पॉइंट है वही सबसे बड़ा हेडलाइन बन गया, बाकी 2 मुद्दे तो ज़्यादा चर्चे का विषय रहे नहीं, बट हम उन्हें भी मतलब यहाँ पे ज़रूर कवर करेंगे। सो पहला वाला मुद्दा कौन सा, तो आप यहाँ पे देख सकते सेम वही चीज़ें कि शेयर बाजार में जो हम लोग को चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात बोली कि इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो 4 जून के बाद हम लोगों को सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये इसमें आप लोगों को उनका पूरा स्टेटमेंट दिखा, तो आप देख सकते हो जो उन्होंने जो एक टीवी चैनल है शायद से NDTV को वो ये दे रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो फेज 5 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एंड इलेक्शन अभी भी यहाँ पे जारी है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू देते वक्त यहाँ पे क्या बात बोली, जो कि फिलहाल बाजार अभी भी नर्वसनेस पैटर्न में चल रहा है जो कि हर वक्त देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने ये कह दिया कि इंडियन स्टॉक मार्केट विल ब्रेक ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड ऑन 4th जून, ये उन्होंने कहा है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, मानना है नहीं मानना है भाई वो हर किसी का अपना अपना चॉइस, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनके ओर से हम लोग को देखने को मिला है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने और कौन सी बात यहाँ पे बोली है, यस, जैसे मैंने बोला ना, ये देखो NDTV को ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये भी कहा कि यू विल सी द डे इलेक्शन रिजल्ट कम आउट एंड थ्रू आउट दैट वीक द स्टॉक मार्केट प्रोग्रामर्स विल गेट टायर्ड ऑफ द एक्शन। मतलब उनका बताने का टोन ये था कि इलेक्शन के रिजल्ट 4 जून के आएंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ते भर भी अगर आप देखोगे तो जो हम लोगों को बिजनेस चैनल देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा यूट्यूब भी आ जाता है, सारी चीज़ें सोशल मीडिया भी आ जाती है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि
मतलब थक जाएंगे हर कोई कवर करते करते। उनका मतलब बोलने का टोन जो था वो पॉजिटिव टोन था कि ज़बरदस्त रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे, ऑल लेवल्स हिट यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे इंटरव्यू में की है। देन उन्होंने कुछ पास्ट रिकॉर्ड्स की यहाँ पे बात की है, जैसे कि 10 साल पहले उनकी सरकार बनी थी तभी सेंसेक्स 25,000 पे था, एंड अभी जब इंटरव्यू की बात चल रही तो 75,000 को फिलहाल तो टच यहाँ पे मार्केट ने किया है। तो अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया था वो फिलहाल तो ये बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उन्होंने कहा कि जो कॉमन पीपल है वो अभी हम लोगों को मार्केट की ओर ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने ये बात भी आप लोगों को कही थी, पहले तो 2 करोड़ डीमैट अकाउंट नहीं थे, 2 करोड़ नहीं बात कर रहा, 2 करोड़ भी नहीं थे अगर मैं पुराने डेटा की बात करूँ तो। और उसके बाद अभी डीमैट अकाउंट कितने बढ़ चुके हैं, मतलब हर एक व्यक्ति हम लोग को शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हुए देखने को मिले, चाहे वो सिर्फ IPO के लिए क्यों ना आए। तो ये चीज़ें, ये बदलाव हम लोग को देखने को मिला है, और अगर ये बदलाव ऐसे ही पॉजिटिव वे से अगर आगे बढ़ता चला जाएगा तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होगा इलेक्शन के मुद्दे में, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि शेयर मार्केट वाला भी एक पॉइंट ज़रूर हम लोग को बार बार देखने को आप मिलेगा, जो कि इस चुनाव से हम लोग को देखने को आप मिल रहा है। इसके पहले नहीं होता था, ठीक है, 2 करोड़ से भी कम लोग हैं क्या ही बोलने का, बट अभी सबको पता है कि कितने सारे लोग यहाँ पे, हर कोई अपने पोर्टफोलियो की फिक्र करता है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के जर्नी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता होगा, लॉन्ग टर्म में अच्छे कंपनी हमेशा आपको रिटर्न्स दे ही देते हैं। सो उन्होंने ये भी कहा है कि बेटर इकोनॉमी के लिए कॉमन पीपल का भी मार्केट में आना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड फिलहाल अगर हम बात करें रिस्क एपेटाइट, बहुत सारे सिटीजन्स की हम लोगों को अभी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना अभी हो सके हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आने वाले समय में इकोनॉमिकली जो रिफॉर्म्स रहते हैं एंड एंटरप्रेनरशिप के फायदे में जो भी पॉलिसीज रहेंगी उनको हम लोग और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे फॉर द बेटर इकोनॉमी। ठीक है, ये तो हर कोई हम लोगों को बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा भाई कोई मंत्री कि हमें इकोनॉमी को डैमेज करना है करके, तो ये पॉइंट समझिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मुद्दा उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने कवर करके यहाँ पे रखी हुई है। ये जो आखिरी पैराग्राफ है वो वही है जो अमित शाह जी ने यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रखा था कि बाय बिफोर 4 जून करके, ये उन्होंने एडवाइस दी थी कि इन्होंने अमित शाह जी ने। सो डेफिनेटली अभी हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी के स्टेटमेंट के चलते क्या बाजार में कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल पता चलेगा। क्योंकि इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो मार्केट क्लोज था तभी हम लोग को देखने को मिला था, बट यहाँ पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार भी फोकस में रखना पड़ेगा। फिलहाल अमेरिकन बाजार 100 पॉइंट डाउन है, प्लस उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल फोकस में रखना पड़ेगा क्योंकि एक नया टॉपिक बेयर वालों को मिलते हुए देखने को मिल चुका है मिडल ईस्ट का। अभी तक कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट नहीं हुआ है बट फिर भी वो फोकस में रखे हुए हैं कि वहाँ से अगर कुछ हलचले हुई तो इस चीज़ को पकड़ कर आगे क्या करना है, मार्केट को तोड़ सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, जो क्रूड को हम लोग अभी कई समय से देख ही नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट एकदम शांत चल रहा है। सो अचानक से एक खबर यहाँ पे सामने आ गई, वहाँ के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में हम लोगों को मृत्यु होते हुए देखने को यहाँ पे मिली। एंड उसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब इफ बट वाली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते इनके ऊपर भी आप लोगों को फोकस रखना यहाँ पे आना चाहिए। सो पहला वाला पॉइंट जैसे मैंने कहा यही सबसे बड़ी हेडलाइन बनी थी। बाकी 2 पॉइंट्स की बात करें तो नेक्स्ट उन्होंने बैंकिंग सेक्टर की बात की। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर मतलब क्या, उन्होंने यही कहा कि अभी बैंकिंग सेक्टर पहली बार फाइनेंशियल ईयर 24 में 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने क्रॉस कर दिया, नेट प्रॉफिट की बात करें तो। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है बैंकिंग सेक्टर, ये उन्होंने बताने की कोशिश की, अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ NPS कम होने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने फिलहाल तो सामने रखी हुई है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको स्टडी करना ही है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो प्राइवेट सेक्टर में स्टडी करने के लिए भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस ICICI बैंक का लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी स्टॉक अगर देखा गया तो काफ़ी टॉप पे अच्छा करते हुए देखने को मिल रहा है, बट उसके पीछे का रीज़न भी वही है कि बैंक्स के नंबर भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एंड सरकारी में आपको पता ही है वर्स्ट में बेस्ट एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी बैंक सरकारी अगर आप देखोगे तो उनमें ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है, ऐसा एकदम ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर वापस रिकवर कर रहे ऐसा है, बट SBI एक अकेला है जो लेफ्ट टू राइट हम लोग को धीमे धीमे ही सही क्यों ना बट ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स सामने यहाँ पे रख दिए। पॉइंट्स मतलब उन्होंने वही 4S की यहाँ पे बात की है, S मतलब स्कोप स्केल स्पीड एंड स्किल की। सो इस चीज़ के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की वो बात यहाँ पे करेंगे, मतलब देखा गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा स्कोप देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो स्केल करने के लिए भी बहुत बड़ा हम लोगों को वहाँ पे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये सारी चीज़ें पार्ट में यहाँ पे होनी नहीं चाहिए एंड बाकी की चीज़ें इनके साथ सिंक यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये 2S के साथ बाकी की 2 चीज़ें कौन सा स्पीड एंड स्किल, ये दोनों स्कोप एंड स्केल के साथ लिंक यहाँ पे होने चाहिए तब जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर इनको पार्ट पार्ट में किया तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। ये पॉइंट कुछ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामने रखे हुए थे। सो बेसिकली अगर देखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड में इतने वीडियोज़ बना चुका हूँ कौन कौन से बड़े कंपनी, सबसे पहले तो हमारे सामने तो L&T ही आ जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ
इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इनका भी बिजनेस इंफ्रा से रिलेटेड ही रहता है। तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मेजोरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा, ये इससे रिलेटेड अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा हम लोग को प्लस माइनस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। 4 जून तो भाई अदानी ग्रुप के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। देन सीमेंट वाली कंपनी अल्ट्राटेक, ये तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है, जिसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ भी कवर कर चुका हूँ। सो ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पे नॉलेज पर्पस के लिए कवर किए हैं, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप उसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।